गुरु घर ते समाज सेवा नूं समर्पित सेवा करने वाले स्वर्गवासी सरदार शमशेर सिंह खालसा के परिवार नूं उस समय गहरा सदमा लगा जदों उन्हां दे हांगकांग विच रहिंदे नौजवान जॉई सतनाम सिंह 38 साल की अचानक वापरे हादसे के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिंड गलविकलां विखे खालसा परिवार की बेटी जसप्रीत कौर चाहल के पति सतनाम सिंह चीना पिछले 20 साल तो हांगकांग रहिंदे सन अते उत्थे लंबियां मंजिलां ते शीशे लगाउण दा काम करदे सन। बीते दिन रोजाना काम के दौरान एक 17 मंजिली लंबी बिल्डिंग ते कमरे की बारी पैड ते बैठ के शीशा लगा रहे सन। बिल्डिंग के उपरले पासे एक क्रेन वालों 10 टन की सीमेंट स्लैब उपर लिजाई आ रही सी। करीब 20 मंजिलों ते जाण दे उपरंत एक बैल्ट टुट गई तां सीमेंट की स्लैब उपरों सारी पैड नूं तोड़दा हेठां आ डिगी। इसकी मार विच ये नौजवान आ गया ते हेठां डिगदे सार ही उसने दुनिया नूं आखिरी फतेह पुला दित्ती। उसकी मौत तो बाद लॉकडाउन विच भारत आई उसकी पत्नी ते एक 10 महीने के बेटे ते दुखां दा पहाड़ टुट गया। इस दर्दनाक मौत के कारण जिथे सहुरे परिवार गलवकलां दे जद्दी पिंड रईया विखे मातम ते सोग छा गया दोवें परिवारां दे बिरलाप देखे नहीं जा रहे सन। पिंड गालिबकलां दे हांगकांग पुलिस विच उच्चे अहुदे ते तैनात गुरदेव सिंह हांगकांग ते गुरचरण सिंह हांगकांग ने मृतक सतनाम सिंह दे देह नूं भारत लियाउण लई जद्दोजहद कीती है अते उम्मीद है कि 2-3 दिनां तक हांगकांग सरकार वल्लों लोड़ींदी कारवाई करन ते मृतक देह लियाउण दी इजाजत दित्ती जाएगी अते बाद विच स्वर्गवासी सतनाम सिंह दा जद्दी पिंड रईया विखे संस्कार कीता जाएगा। जिक्रयोग है कि स्वर्गवासी सतनाम सिंह चीना पंथक के समाजिक कार्यों में निष्काम गुप्तदान देंदे सन अते सिख संघर्ष में शहीद सिंघां दे परिवार की आर्थिक मदद करते सन। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजी कम टीवी। गुरु घर ते समाज सेवा नूं समर्पित सेवा करने वाले स्वर्गवासी सरदार शमशेर सिंह खालसा के परिवार नूं उस समय गहरा सदमा लगा जदों उन्हां दे हांगकांग विच रहिंदे नौजवान जॉई सतनाम सिंह 38 साल की अचानक वापरे हादसे के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिंड गलविकलां विखे खालसा परिवार की बेटी जसप्रीत कौर चाहल के पति सतनाम सिंह चीना पिछले 20 साल तो हांगकांग रहिंदे सन अते उत्थे लंबियां मंजिलां ते शीशे लगाउण दा काम करदे सन। बीते दिन रोजाना काम के दौरान एक 17 मंजिली लंबी बिल्डिंग ते कमरे की बारी पैड ते बैठ के शीशा लगा रहे सन। बिल्डिंग के उपरले पासे एक क्रेन वल्लों 10 टन की सीमेंट स्लैब उपर लिजाई आ रही सी। करीब 20 मंजिलों ते जाण दे उपरंत एक बैल्ट टुट गई तां सीमेंट की स्लैब उपरों सारी पैड नूं तोड़दा हेठां आ डिगी। इसकी मार विच ये नौजवान आ गया ते हेठां डिगदे सार ही उसने दुनिया नूं आखिरी फतेह पुला दित्ती। उसकी मौत तो बाद लॉकडाउन विच भारत आई उसकी पत्नी ते एक 10 महीने के बेटे ते दुखां दा पहाड़ टुट गया। इस दर्दनाक मौत के कारण जिथे सहुरे परिवार गलवकलां दे जद्दी पिंड रईया विखे मातम ते सोग छा गया दोवें परिवारां दे बिरलाप देखे नहीं जा रहे सन। पिंड गालिबकलां दे हांगकांग पुलिस विच उच्चे अहुदे ते तैनात गुरदेव सिंह हांगकांग ते गुरचरण सिंह हांगकांग ने मृतक सतनाम सिंह दे देह नूं भारत लियाउण लई जद्दोजहद कीती है अते उम्मीद है कि 2-3 दिनां तक हांगकांग सरकार वल्लों लोड़ींदी कारवाई करन ते मृतक देह लियाउण दी इजाजत दित्ती जाएगी अते बाद विच स्वर्गवासी सतनाम सिंह दा जद्दी पिंड रईया विखे संस्कार कीता जाएगा। जिक्रयोग है कि स्वर्गवासी सतनाम सिंह चीना पंथक के समाजिक कार्यों में निष्काम गुप्तदान देंदे सन अते सिख संघर्ष में शहीद सिंघां दे परिवार की आर्थिक मदद करते सन। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजी कम टीवी।